और यहाँ विपुल स्पेशल कॉफ़ी आ चुका है। बोल रहा था कि पास्ता के साथ अच्छा लगेगा, देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर का समय है, खाना मैंने नहीं बनाया है तो सोचा कि सबने कहा पास्ता बनाओ तो मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो देखिए कि अचानक पास्ता बनना हुआ, घर में जो सामान है उसी से मैं बना ले रही हूँ, तो आपको भी दिखा रही हूँ कैसे मैं पास्ता बना रही हूँ। तो बस टमाटर था मेरे पास, मैंने थोड़ा लहसुन काट लिया है, थोड़ा सा मिर्चा, और यहाँ पास्ता उबल रहा है। और कोई सब्जी नहीं है तो बस मैं यही, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी मैगी मसाला पैकेट। पास्ता नहीं है, मैक्रोनी है। इसमें हल्का सा मैंने नमक डाला है। ये रहा पास्ता उबल चुका है, इसको छान कर। इसी तरह सबको छान लेंगे। और यहाँ मैंने काट लिया है बहुत सारा प्याज, अच्छा लगेगा इतना है तो इसीलिए मैंने बहुत सारा प्याज भी काट लिया है। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। अब इसको आप या तो बटर में बना सकते हैं या घी में बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं, तो मैं तेल में ही बनाऊंगी। और मैंने यहाँ सरसों तेल डाल दिया है और गरम होने वाला है। तेल हो चुका है गर्म, इसमें जाएगा लहसुन, और विपुल नहा के आ चुका है। पकड़ो इसको, मोबाइल ऐसे पकड़ो, हेल्प करो मेरा। इसमें लहसुन जा चुका है, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा साइड हटो, निकल जाएगा। प्याज पकाएंगे, इसमें सब्जी कुछ नहीं है तो मैं डालूंगी प्याज बहुत सारा, दो साबुत प्याज, दो साबुत नहीं है, हाँ, तीन है, तीन साबुत प्याज। अच्छा लगता है प्याज, थोड़ा सा मैक्रोनी में जो है ना प्याज आता है मुँह में तो उसका टेस्ट अलग ही लगता है। इसको जलाना नहीं है, नॉर्मल रखना है। जैसे कि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें बहुत कुछ सब्जी पड़ता है जो सब्जी हमारे पास नहीं है। और अगर आपके पास मैगी मसाला, मेरे पास तो था तो मैं डाल दूंगी, लेकिन मैगी मसाला जिसके पास नहीं है वो थोड़ा सा काली मिर्च को कूट के डाल सकता है और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकता है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और टमाटर सॉस ये यूज करिए, बस पास्ता हमारा तैयार हो जाएगा। टमाटर भी डाल चुका है, टमाटर आप डालते हैं तो तुरंत नमक भी डाल दें, इससे क्या होता है कि पक जाएगा टमाटर, जल्दी ही पक जाता है। तो स्वाद अनुसार आप डाल ही दें, इसमें तो थोड़ा सा पड़ा है तो इसमें स्वाद अनुसार डाल देना। तो तुरंत ही पक जाएगा। अब इसमें डलेगा सॉस,
बस ये बन गया सॉस। अब हमारे पास अब जाएगा इसमें मैक्रोनी। अब यहाँ है मैक्रोनी, इसमें और भी कुछ डलेगा भाई। अरे डालने को तो बहुत कुछ डलता है, ऐसा थोड़ी है। जो घर में मौजूद है उसको हम लोग डालेंगे ना। मिठू और मिठू सोया हुआ है, मैक्रोनी का नाम सुनकर जल्दी से उठ जाएगा। और एक पैकेट नहीं दो पैकेट लग जाएगा मैगी मसाला। मैगी मसाला नहीं हो तो मैंने बताया जैसे कि हल्का सा गोल मिर्च कूट कर डाल दीजिए, और मिर्चा पाउडर तो मैं ऐसे भी डालूंगी थोड़ा सा तीखा। अब इसको अच्छे तरह से मिला दें। हल्का सा मिर्चा मैंने डाल दिया है। अब आप इसमें अलग से सॉस डाल कर खाइए। और ये रहा पास्ता तैयार हो चुका है, उधर मिट्टू भी उठ चुका है, तो मैं प्लेट में सर्व करूंगी तो दिखाऊंगी। बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ, पास्ता तैयार है। कितना दिन से मैं बोल रही थी इन लोग को पास्ता बनाने के लिए। ये तो बच्चों का काम है, पास्ता बनाना, मैगी बनाना, चाउमीन बनाना, लेकिन ये कोई नहीं बना रहा था। मैंने सोचा कि चलो आज दोपहर का खाना बंद ही कर देती हूँ, यही बना देती हूँ, तो वही मैंने बना लिया। भाई ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद सॉस का ज़रूरत पड़ेगा, इसी तरह बेहतरीन है। मिठू भी आ चुका है। मिठू कैसा लगा पास्ता? अच्छा है। विपुल आ जाओ। सिंपल सा सब्जी रहता तो और अच्छा लगता। ये सूजी वाला था, गेहूं का भी आता है, वो भी अच्छा है। विपुल भी आ चुका है। कैसा? ठीक है। अरे यार गजब, मेरे से थोड़ा ही खराब है। बना के खिलाता तब ना बोलते हैं कि तुमसे अच्छा है कि मेरे से खराब है, तब कंपटीशन होता। बेहतरीन बनाए, बेहतरीन, जबरदस्त। और यहाँ विपुल स्पेशल कॉफी आ चुका है, बोल रहा था कि पास्ता का स्वाद अच्छा लगेगा, देखते हैं। तो विपुल मिट्ठू आ चुके हैं पार्टी करके, छोटी के यहाँ चिकन खा के। आज छोटी ने बुलाया था दोनों को चिकन खाने के लिए, तो दोनों ही चले गए थे। और श्रीवास्तव जी भी एक छठिहार में पार्टी खा लिए हैं, बच गई मैं। तो सब ने मेरे लिए डोसा लेके आया, मेरा फेवरेट मसाला डोसा। और ये रहा डोसा। ए सांभर क्यों ऐसा दिख रहा है? सांभर क्यों ऐसा दिख रहा है? अजीब सा सांभर, बंसी बिहार का ही है। नहीं अजीब सा कलर दिख रहा है सब्जी, कुछ नहीं सब्जी लग रहा है, महंगा हो गया है। सांभर में खाली दाल दिया है। हाँ ये तो ठीक है।